हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ वायरस के बारे में। इससे पहले हम लोग वायरस के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि वायरस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे हम वायरस को लैब में कल्टिवेट करा सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग आज पढ़ रहे हैं रेप्लिकेशन ऑफ वायरस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा वायरस होता है उसके रेप्लिकेशन के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो हम कुछ चीज़ें पहले बेसिक वायरस के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम चलेंगे अगली वाली चीज़ों पर। तो देखिए होता क्या है, जो हमारे वायरस होते हैं हमें पता है कि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं, यानी वो सिर्फ एक होस्ट के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। तो अगर कोई भी हमारा वायरस है, मान लीजिए कि ये हमारा एक वायरस हो गया, ठीक है, ये जो वायरस है ये तब तक ग्रो नहीं कर सकता, तब तक रेप्लिकेट नहीं कर सकता जब तक इसके पास कोई होस्ट सेल ना हो। तो जो वायरस है उसको एक होस्ट की ज़रूरत है, होस्ट के बाहर वो नॉन लिविंग होता है और होस्ट के अंदर आते ही वो लिविंग हो जाता है, क्योंकि वो होस्ट के अंदर जाके अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, ये चीज़ हमें पता है। तो वायरस जो है इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, तो इनको एक होस्ट की ज़रूरत होती है। तो इनके होस्ट हैं अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कोई ऐसा वायरस हो सकता है जो कि एनिमल्स में ग्रो करता हो, कोई ऐसा हो सकता है जो कि प्लांट्स में ग्रो करता हो, यानी प्लांट्स के अंदर रहता हो, दूसरा हो सकता है जो फंगस में ग्रो करता हो, और तीसरा हो सकता है जो बैक्टीरिया में ग्रो कर सकता हो, यानी चौथा हो सकता है। तो इसके होस्ट अलग अलग हो सकते हैं और हर एक वायरस हर किसी में ग्रो नहीं कर सकता है। जो एनिमल वायरस होंगे वो एनिमल में ग्रो करेंगे, जो प्लांट वायरस होंगे प्लांट में, जो बैक्टीरिया वायरस होंगे वो बैक्टीरिया में ग्रो करेंगे, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक वायरस हर किसी होस्ट में ग्रो कर पाए, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग लाइफ साइकिल समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो वायरस होता है वो होस्ट के अंदर जाता है, कैसे वो मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे असेंबल होके वो बाहर आता है, क्या सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो वायरस होता है वो दो तरीके की साइकिल शो करता है होस्ट के अंदर जाने पर, या तो वो लाइटिक साइकिल शो करता है या वो लाइसोजेनिक साइकिल शो करता है, ठीक है। दो तरीके की होती हैं, लाइटिक या फिर लाइसोजेनिक, दो तरीके की होती हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक तरीके की साइकिल पढ़ेंगे, जो कि है हमारी लाइटिक साइकिल। फर्दर लेक्चर में हम लोग लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये कि हम लोग आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें एक एग्जाम्पल लेके चलना होगा और उसी की हेल्प से हम फिर पढ़ सकते हैं ये टॉपिक। तो देखिए हम लोग आज एक जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे एक बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। एक ऐसे वायरस का एग्जाम्पल लेंगे जो कि बैक्टीरिया में ग्रो करता है, यानी जिसका जो होस्ट है वो बैक्टीरिया है। तो आज हम एक बैक्टीरियोफेज के एग्जाम्पल से समझेंगे। वैसे जितने भी वायरसेस होते हैं वो इसी बात को फॉलो करते हैं, यानी यही स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, बस कुछ थोड़े बहुत अंतर होते हैं, पर अगर हमें प्रोसेस को समझना है तो किसी एक का एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं, यानी सब में सिमिलर प्रोसेस ही होती है। तो आज जो हम लेंगे वो एक बैक्टीरियोफेज होगा जिसका होस्ट बैक्टीरिया होगा, और उस बैक्टीरियोफेज में भी हम T4 फेज का एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। T4 बैक्टीरियोफेज जो होता है उसका एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। T4 बैक्टीरियोफेज जो होता है, यानी जो T4 वायरस होता है, वो एक बैक्टीरियोफेज होता है जिसका होस्ट एक बैक्टीरिया होता है। उसका होस्ट होता है हमारा ईकोलाई बैक्टीरिया। ईकोलाई बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है बच्चों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ईकोलाई बैक्टीरिया इसका होस्ट होता है और उसके अंदर ही ये ग्रो करता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। अगर हम T4 बैक्टीरियोफाज की बात करें तो T4 बैक्टीरियोफाज जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें इसकी ये कैप्सिड होती है, ठीक है, इकोसाहेड्रल कैप्सिड होती है। उसके बाद ये नेक होता है इसका, उसके बाद बेस प्लेट होती है, और उसके बाद क्या होता है, टेल फाइबर्स होते हैं इसके, ठीक है। इकोसाहेड्रल कैप्सिड में क्या होता है, इसका न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसका जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल में आपको ध्यान रखना है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ताकि आप लोग आगे फर्दर इस प्रोसेस को समझ सकें। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसका जेनेटिक मटीरियल होता है, इकोसाहेड्रल इसकी कैप्सिड होती है, ठीक है। ये हमारी कैप्सिड हो जाती है, ये इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाता है, ये इसका नेक पोर्शन हो जाता है, ये इसकी टेल फाइबर हो जाती है, और ये इसका बेस प्लेट हो जाती है, ठीक है, ये इसकी बेस प्लेट हो जाती है। तो ये हमारा है T4 बैक्टीरियोफाज, जिसको हम T1 बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं। इसका होस्ट होता है ईकोलाई।
ये सब चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। अब इसकी हेल्प से हम समझेंगे आज लाइटिक साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो हमारी साइकिल होती है रिप्रोडक्शन की वायरस की, उसमें हमारे लगभग 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और इसके अंदर भी सब पार्ट्स होते हैं जो कि हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मेन जो 5 स्टेप्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, ठीक है। पहला स्टेप होता है अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, दूसरा होता है इंसर्शन, देन आता है रेप्लिकेशन, देन असेंबली एंड देन रिलीज। तो 5 मेजर स्टेप्स होते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, इंसर्शन, रेप्लिकेशन, असेंबली एंड रिलीज, राइट। चलिए अब चलते हैं, हम देखते हैं कि अटैचमेंट और पेनिट्रेशन में क्या होता है, इंसर्शन में क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि होता क्या है। देखिए जब ये चीज़ें देखी गई कि किस तरीके से जो साइकिल है वो चलती है, कैसे रेप्लिकेशन होता है वायरस का, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ईकोलाई की प्लेट ली, कल्चर प्लेट, और उसमें हमने क्या किया, यानी साइंटिस्ट ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज डाल दिए, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का कल्चर डाल दिया। अब जो बैक्टीरियोफेज है वो कॉन्टैक्ट में आएंगे बैक्टीरिया के, यानी ईकोलाई के, और फिर उनको इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है इसमें, इनके पास ऐसा कोई मीडियम नहीं है, हाथ पैर नहीं है कि ये डायरेक्टली होस्ट को पकड़ के उसको पकड़ ले, उसके अंदर ग्रो कर जाए। ये रेंडमली कॉन्टैक्ट में आते हैं होस्ट के और फिर अपनी साइकिल को चलाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही एक फाज रेंडमली कॉन्टैक्ट में आया ईकोलाई के, तो पहला स्टेप आ जाता है लैंडिंग, यानी जो हमारा होस्ट है, देख पा रहे हैं ये हमारा होस्ट है ईकोलाई, ये होस्ट का डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। और ये जैसे ही फाज इसके ऊपर आकर बैठ जाएगा, इस स्टेप को हम बोलेंगे लैंडिंग, ये लैंड कर गया, ठीक है। तो मेजर स्टेप्स में हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, पर मैंने बताने के लिए इसको लिखा है कि ये पहले लैंड कर जाएगा। लैंड करने के बाद क्या होगा, ये अटैच करेगा। देखिए अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो होस्ट होता है, चाहे फिर वो ईकोलाई हो, चाहे वो हमारा सेल हो, चाहे वो एनिमल प्लांट का किसी का भी सेल हो, तो जो हमारे सेल होते हैं उन पर कैसे अटैच होता है, जो हमारा वायरस है वो कैसे अटैच होता है, वायरस के जो फाइबर्स होते हैं बेस प्लेट के, ठीक है, वो डिटेक्ट करते हैं कुछ चीज़ हमारी सेल वॉल में या जिस भी सरफेस पे जो भी चीज़ें होंगी वो करते हैं। कैसे करते हैं सेंस, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होते हैं, हर एक वायरस अपने अलग रिसेप्टर को सेंस करता है। जैसे कि जो हमारे ये T4 फाज है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में लिपोपॉलीसेकेराइड होता है उसको देखता है, उसको सेंस करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्लैजिला को देखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सीलिया को देखते हैं, यानी उनको एज अ रिसेप्टर इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो T4E1 फाज है, यानी T4 बैक्टीरियोफाज है, वो क्या करेगा, लिपोपॉलीसेकेराइड को सेंस करेगा। तो लिपोपॉलीसेकेराइड को सेंस कर वहाँ पर बाइंड कर जाएगा लिपोपॉलीसेकेराइड पर, ठीक है। सेल वॉल में जो लिपोपॉलीसेकेराइड है वहाँ पर क्या करेगा, वो अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा, जो इसकी बेस प्लेट के फाइबर्स होते हैं उनकी हेल्प से ये क्या होगा, वहाँ पर अटैच हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो बेस प्लेट है इसके फाइबर की हेल्प से यहाँ पे अटैच हो गया। तो हमारा पहला स्टेप हो जाता है अटैचमेंट, राइट, अटैचमेंट हो गया। अब जैसे ही अटैचमेंट हो जाएगा तो अब क्या होगा, और ज़्यादा पक्का हो जाएगा अटैचमेंट और फाइबर्स अच्छी तरीके से बेस प्लेट के यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से अटैच हो जाएंगे। और अच्छी तरीके से अटैच होने के बाद जो टेल फाइबर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले तो इस तरीके से हैं टेल फाइबर, अब क्या हुआ, ये टेल फाइबर्स क्या हुए, चौड़े हो गए, और यानी क्या हुआ, और फैल गए, यानी इसको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर दिया ताकि अच्छे से अटैच हो सके, ठीक है। और जो नेक आप देख रहे हैं, नेक जो है ये शॉर्टर हो गया है ना, आप देख रहे हैं नेक जो है थोड़ा सा शॉर्टर हो गया, ठीक है, तो नेक भी शॉर्टर हो जाएगा, तो जो हमारा नेक का पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो अटैचमेंट के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, अटैचमेंट के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर कॉन्ट्रैक्शन होगा अटैचमेंट के बाद, ठीक है। तो जो नेक पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा पेनिट्रेशन। अब ये जो हमारी बेस प्लेट होती है, ठीक है, यहाँ पर इसके थ्रू एक एंजाइम आएगा, ठीक है, और वो जो एंजाइम होगा वो ऐसा एंजाइम होगा जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को लाइस कर देगा, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को लाइस कर देगा, यानी तोड़ना शुरू कर देगा इस पोर्शन से, इस पोर्शन से बैक्टीरिया की सेल वॉल को लाइस करना यानी तोड़ना शुरू कर देगा। और लाइस करके क्या होगा, यहाँ पर एक क्या करेगा, लाइस करता चला जाएगा तो एक ट्यूब जैसा यहाँ पर बन जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर लाइस करके ट्यूब जैसा बन जाएगा, इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन,
ठीक है। पेनिट्रेशन से नेक्स्ट स्टेप होगा इंसर्शन ऑफ डीएनए। जैसे ही पेनिट्रेट हुआ तो हेड में से जो डीएनए है वायरस का वो नेक पोर्शन में आएगा और नेक से फिर इस ट्यूब के थ्रू वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इंसर्शन ऑफ डीएनए, या फाइनली जो डीएनए है या जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो अंदर आ गया। ठीक है, अभी हम टी इवन बैक्टीरियोफाज की बात करें, टी फोर की बात करें, तो इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसलिए यहाँ पर डीएनए दिखाया हुआ है, कोई आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ये हम एक डीएनए वायरस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि मेन स्टेप्स वही रहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आरएनए वायरस होगा तो वो अलग तरीके से उसका डीएनए रेप्लिकेट कर, मतलब आरएनए जो है रेप्लिकेट करेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम डीएनए वाले वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिलहाल इंसर्शन हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये पूरी लाइफ साइकिल है, यहाँ पे ये पूरी लाइफ साइकिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहले अटैचमेंट हो गया, फिर पेनिट्रेशन एंड इंजेक्शन हो गया डीएनए का, इतना हमने पढ़ लिया। ये हमारा होस्ट का क्रोमोसोम है, ये चीज़ हमें पता है, होस्ट का जेनेटिक मटीरियल ये है हमारे, यानी बैक्टीरिया का। अब क्या होगा, जैसे ही ये डीएनए इंसर्ट हुआ अंदर, यानी जेनेटिक मटीरियल वायरस का अंदर हुआ, तो अब ये जो बाहर का पोर्शन है ये निकल जाएगा वायरस का। ठीक है, यहाँ से अटैच हो जाएगा क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। अब ये जो फिलहाल अंदर है, जैसे ही ये अंदर आएगा तो ये अपना काम शुरू कर देगा। अंदर आते ही ये होस्ट के सिस्टम को क्या करता है, हाईजैक करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे होस्ट के सिस्टम को ये हाईजैक कर लेता है और जो होस्ट का एमआरएनए होता है वो इसके काम में लग जाता है। तो जो होस्ट का एमआरएनए होगा वो इसके काम में लग जाएगा। तो ये जो एमआरएनए होगा ये अर्ली एमआरएनए होगा, अर्ली एमआरएनए, तो अर्ली एमआरएनए बन जाएगा, ये होस्ट का होगा। ठीक है, होस्ट का ओरिजिन होगा, ये इसका खुद का एमआरएनए नहीं होगा। तो ये जो अर्ली एमआरएनए है, अब इस अर्ली एमआरएनए की हेल्प से कुछ प्रोटीन्स बनाई जाएंगी। ठीक है, जो प्रोटीन्स वायरस की आगे हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से कुछ प्रोटीन्स बनाई जाएंगी। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि एंजाइम्स की हेल्प से जो हमारे होस्ट का डीएनए है इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, होस्ट के डीएनए को डिग्रेड कर दिया जाएगा, यानी बैक्टीरिया का डीएनए को डिग्रेड कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि इनको न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में तोड़ दिया जाएगा। जैसे ही होस्ट का जो डीएनए है वो डिग्रेड हुआ तो वायरस के मज़े आ गए, क्योंकि वायरस अब इन न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करेगा अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। तो वो क्या करेगा, ये जैसे ही ये जो डीएनए है बैक्टीरिया का अब ये आया तो अब इसने हाईजेक किया और इसको डीएनए को डिग्रेड करा दिया होस्ट के। अब इस डीएनए की हेल्प से ये अपने डीएनए को मल्टीप्लाई कराएगा। ठीक है, अपने डीएनए को ये मल्टीप्लाई करा लेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अब इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन गई हैं। जैसे अब इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी तो अब वायरस का एमआरएनए बनना शुरू हो जाएगा, यानी वायरस के डीएनए की हेल्प से एमआरएनए बनना शुरू हो जाएगा। अब ये जो एमआरएनए बनेगा इसको हम लेट एमआरएनए बोलेंगे। ठीक है, जो पहले आया था वो अर्ली एमआरएनए था, ये लेट एमआरएनए है और अब इसकी सिंथेसिस हुई है तो इसको हम बोल रहे हैं लेट एमआरएनए सिंथेसिस। अब जैसे ही ये एमआरएनए बन गया जो कि वायरस का एमआरएनए होगा, ये क्या करेगा, अब चीज़ें बनाना शुरू करेगा, वायरस की चीज़ें बनाना शुरू करेगा, क्योंकि अब पूरा कंप्लीट वायरस हमें बनाना है। तो क्या करेगा, वायरस की कैप्सिड बनना शुरू हो जाएगी, बेस प्लेट बनना शुरू हो जाएगी, टेल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगी, सारी चीज़ें बन जाएंगी। जैसे कि आप इस वाले स्टेप में देख सकते हैं नीचे वाले में कि हेड और टेल बन गई है। अब हेड और टेल जैसे ही बन जाएगी तो ये जो हेड बनेगा इसको हम प्रो हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रो हेड, क्योंकि अभी हेड में डीएनए नहीं आया है, जेनेटिक मटेरियल नहीं आया है, तो अभी ये पूरा हेड नहीं है। प्रो हेड से फिर कंप्लीट हेड बनेगा, क्योंकि ये जो डीएनए है, ठीक है, बहुत सारे डीएनए बनेंगे, अभी इसमें दिखाया नहीं गया है, बहुत सारे डीएनए ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, इस वाले स्टेप में नहीं दिखाया है तो इसमें दिखाया गया है। तो जैसे ही बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे, अब ये डीएनए उन हेड में फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी ये तो सिर्फ दो कैप्सिड दिखाई गई हैं, बहुत सारी कैप्सिड बनती है, बहुत सारे एक ही टाइम पे लगभग 100 से 150 बन जाते हैं। ठीक है, तो बन जाते हैं, तो यहाँ पे अब क्या होगा, बहुत सारे कैप्सिड बन जाएंगे, बहुत सारे टेल फाइबर, बहुत सारे बेस प्लेट, सब कुछ बन जाएगा और फिर हेड में डीएनए भर जाएगा। तो क्या होगा, कंप्लीट हेड पार्टिकल अब हमें मिल गया। अब ये असेंबल होना शुरू होंगे, सबसे पहले बेस प्लेट आएगी और बेस प्लेट पे फिर टेल फाइबर्स लगना शुरू हो जाएंगे, नेक के फाइबर्स लगना शुरू हो जाएंगे और फिर जैसे ही ये लग जाएंगे तो फाइनली हेड भी लग जाएगा और इनकी असेंबली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असेंबली। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है असेंबली का। हमने पढ़ा था ना, पहले अटैचमेंट होगा, फिर पेनिट्रेशन और इंजेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, रेप्लिकेशन, और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, असेंबली।
ठीक है, तो अब असेंबली हो जाएगी इनकी। जैसे ही हेड फिल हो गया, सारे पार्ट्स बन गए, तो एक दूसरे से ये पार्ट्स जुड़ जाएंगे और ये असेंबली हो जाएगी। इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे असेंबली। जैसे ही असेंबली हो जाएगी और लगभग ये जो वायरस के पार्टिकल्स हैं, यानी जो ये वायरस हैं कंप्लीट, ये 150 के लगभग हो जाएंगे, यानी 150 तक हो जाएंगे। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा लाइसिस। अब ये क्या करेंगे, होस्ट के सेल को लाइस करेंगे। इनके पास ऐसा एंजाइम होगा जो कि होस्ट के सेल को लाइस कर देगा, तोड़ देगा, और लाइस करके ये उस सेल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ तो इस तरीके से ये होस्ट के सेल को लाइस करके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट में ये होस्ट के सेल को लाइस करके बाहर आ जाते हैं, इसलिए इस साइकिल को हम लोग लाइटिक साइकिल बोलते हैं। तो ये पूरा साइकिल होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से जो वायरस होता है वो अटैच होकर, रेप्लिकेट होकर, पूरा बन के बाहर आ जाता है सेल से। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये हमारा लाइटिक साइकिल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी लाइटिक साइकिल के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।